जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम एफएनएस के इनिशियल टेस्ट का आज का 21 अगस्त के एक्सपीरियंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि आज जो एफएनएस के टेस्ट हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन बार बार आए हैं। लिहाजा तमाम बच्चियाँ आपके लिए बेनिफिट ये है कि वीडियो को कम्प्लीट देखा करें, लास्ट में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे और रिपीटेड आज वाले बताए जाते हैं। तो लुबना करीम पहली बच्ची है मुल्तान में, इनका टेस्ट है माशाल्लाह फास्ट है। पहली बात तो इन्होंने बताया सर इंटेलिजेंस वर्बल इज़ टोटली फ्राम योर नोट्स विच यू हैव प्रोवाइडेड टू मी टू मच हेल्पफुल लाइक सम क्वेश्चन फ्राम डेज एज एंड वाटर एंड मिरर इमेजेस, उसके बाद लाइक एंड मैनी क्वेश्चन फ्राम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आज इनको जो वर्बल में आए हैं वो किस तरह के डेज के, मतलब आज अगर ये है तो परसों क्या होगा, उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेजेस, मतलब कि वो जो इमेज उल्टी होती हैं, एम को उल्टा करके लिखा होता है तो वो बताना होता है कि ये क्या आ रहा है, तो उस तरह का जो है वो क्वेश्चन है। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की इन्होंने कहा कि ज़्यादा आए हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ये होता है कि ए के बाद सी को लिखा होता है, बी को स्किप करके सी के बाद डी को लिखा होता है, ई को स्किप करके, तो इस तरह की जो है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। इन्होंने बताया कि जो आज मैंने इन बच्चियों को वर्बल की फ़ाइल दी थी, जो मैं आपको भी बता रहा था कि बेटा 100 क्वेश्चन की फ़ाइल है हमारे पास जो कि फुली गारंटीड है, उसी से सारे वर्बल आएंगे, तो उसी में से आज माशाल्लाह इनके वर्बल आए हैं। अकेडमिक, बेटा अकेडमिक एक ऐसा पोर्शन है, मैं तमाम बच्चियों को, तमाम स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अकेडमिक पे आप ज़्यादा तवज्जो करके जाएँ। अकेडमिक की हालत बहुत बुरी है, अकेडमिक बहुत मुश्किल आ रहा है, तो लिहाजा जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना आपको बेनिफिट होगा और उतना ही आपके सिलेक्शन में चांसेस बढ़ेंगे। तो अकेडमिक में द रिलीज ऑफ विच फिश इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज, तो हमारे पास कौन सी क्या क्वेश्चन क्या है कि तालाब में या कुएं में कौन सी मछलियों को जो है वो फेंका जाता है, डाला जाता है मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, तो गैम्बूजिया फिश हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू डेंटल कैरीज, ठीक है, कौन सी किस चीज़ की कमी होगी तो डेंटल में कैरीज आएंगे, तो फ्लोरीन की जो है वो कमी होगी तो उसकी वजह से डेंटल कैरीज हमें देखने को मिलेगी। इन विच एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस, कहाँ पे एंटीबॉडी की जो है वो ट्रांस बनती हैं, फॉर्मेशन होती है, तो ब्लड प्लाज्मा जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है बेटा, तमाम सेंटर्स के लिए फुली ऑथेंटिक है और फुली एक्सपेक्टेड है, लिहाजा तमाम बच्चियाँ इनको अच्छे से करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और अच्छे से आप अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सेल ऑर्गेनली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो कौन सी ऐसी है, तो माइटोकॉन्ड्रियम जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द पिक्चर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, लीफ, लीफ इज़ आर करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड, बॉन्ड की जो नेचर होती है डायमंड में वो क्या होती है, कोवलेंट नेचर होता है, वो कोवलेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा बच्ची ने बताया है कि आई हैव प्रिपेयर सर बिलाड़ी व्हाट्सएप 03497470489 नोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम पास्ड माय टेस्ट विद गुड मार्क्स एंड थैंक्स अलॉट सर, योर नोट्स इज टू मच हेल्पफुल एंड गुड स्पेशली अकेडमिक पोर्शन इज टू मच बिकॉज मैनी ऑफ द गर्ल्स फेल इन द अकेडमिक टेस्ट। सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि बच्ची ने बताया है कि तो हमने बच्ची को नोट्स प्रोवाइड किए थे जिनमें वर्बल के, नॉन वर्बल के और अकेडमिक के कंप्लीट नोट्स दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया था और अच्छे मार्क्स के साथ इनका आल टेस्ट पास हुए। और आप सभी को ये एडवाइस दे रही हैं कि आप भी हमारे नोट्स सर बिलाल के नोट्स लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें और अपना टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास करें। और इन्होंने बताया कि सर अकेडमिक नोट्स टू मच बिकॉज अकेडमिक में बहुत ज़्यादा गर्ल्स फेल हुई, मैनी ऑफ द गर्ल फेल्ड इन अकेडमिक टेस्ट, बेटा अकेडमिक बहुत मुश्किल आ रहा है, मैं बार बार आप सब बच्चों को वार्न कर रहा हूँ, लिहाजा जितनी अच्छी आप सबकी तैयारी होगी उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फुली ऑथेंटिक नोट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज़ कर सकती हैं और अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है लैटिस इनर्जीज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस इनथैलेपी, भी इसको कहा जाता है इनहेलिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड काज, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो ये क्या काज करेगी, लाफ्टर, मतलब कि इसे लाफिंग गैस भी से कहते हैं। द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स क्या है, कोल, ठीक है। और उसके बाद ने बताया कि
अक्सर इंग्लिश में ज़्यादातर साइनोनियम एंटोनियम और फिजिक्स में फार्मूला यूनिट थे। टोटली आपके नोट्स से था सर, मैंने दो दिन में आपके नोट्स प्रिपेयर करके अपना टेस्ट पास कर लिया है। तो बेटा आप सब बच्चों का मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा, काइंडली मुझे एक मिनट लाजमी दे दीजिएगा। बेटा देखिए, जिन जिन बच्चों का एफएनएस का टेस्ट कल है या अपकमिंग डेट्स में है या सितंबर के मंथ में, तो बेटा आप सबके लिए बहुत अच्छी ऑफर है कि हमारे पास एफएनएस की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड अथेंटिक एंड गारंटीड नोट्स अवेलेबल हैं, जिनमें हम आपको इंटेलिजेंस के वर्बल नॉन वर्बल के मोस्ट रिपीटेड एंड अथेंटिक नोट्स देंगे। स्पेशली वर्बल हमारे पास 100 क्वेश्चन की ऐसी फाइल है कि अगर आप उन 100 क्वेश्चन को कर लेती हैं तो मैं गारंटी दूंगा कि उसी फाइल से आपके 60+ वर्बल जो है वो ईजिली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वर्बल टोटली उसी फाइल से आएगा क्योंकि ये प्रीवियसली 4 ईयर्स में बार बार आ रही हैं। जिस तरह ऊपर बच्ची ने बताया कि सर उस फाइल से बहुत ज़्यादा वर्बल आए हैं, तो उसके साथ वर्बल के दीगर नोट्स भी होंगे, बट वो फाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल के नोट्स भी दिए जाएंगे। और बेटा अकेडमिक है, अकेडमिक में बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो है वो फेल हो रही हैं, लिहाजा अकेडमिक की जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह अकेडमिक के हम आपको सिर्फ 900 क्वेश्चन की फाइल देंगे। 900 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह जो जो बच्ची इनको कर लेगी उसके टेस्ट को पास होने की 100% गारंटी होगी। इंशाल्लाह हमारे जो 900 एकेडमिक है उन्हीं में से आपका जो है वो एकेडमिक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जिस तरह इस बच्ची ने भी बताया कि आपके नोट्स से सर मेरा एकेडमिक पास हो गया। तो जो जो बच्ची इंटरेस्टेड है वो अभी व्हाट्सएप कीजिए 03497470489 और बहुत ही मुनासिब फी है। आगे एक्सपीरियंस से बेटा हमारे पास सिद्रा इमरान का रावलपिंडी, आज इनका टेस्ट था और माशाल्लाह पास हुए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हुई और फिर जो है वो हमने 300 रुपीज़ जो है वो फ़ी पे की और उसके बाद हमें उन्होंने टेस्ट के लिए बैठाया। टेस्ट कंप्यूटर पे हुआ। वर्बल नॉन वर्बल सर लिटिल बिट ईजी। वर्बल इज़ टोटली फ्राम योर नोट्स। देखिए मैं जो आपको फाइल का जिक्र कर रहा था उसी फाइल के लिए बच्चे ने भी आपको ये बता रही हैं। और अकेडमिक सर सिंपली एक चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अकेडमिक बहुत ही मुश्किल आ रहा है, क्योंकि हमारे हाल में 40 में से सिर्फ 8 लड़कियां पास हुई। ऑनली इतना टफ था कि अकेडमिक बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मतलब कि बेटा आप देख लें 40 बच्चियाँ अकेडमिक के लिए जा रही हैं और उनमें से 8 पास होकर बाहर आ रही हैं, तो लगा लीजिए। सर मैंने तो आपके नोट्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट आपके नोट्स की वजह से पास हो गया, नोट्स बहुत अच्छे थे। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए कि 40 में से 8 बच्चियाँ पास हुई और उन 8 में से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और जो एक्सपीरियंसिस इन्होंने बताए हैं, अ वेन इज़ अ वेजल दैट कैरीज ब्लड विच साइड टू आर द हार्ट, ठीक है, इन विद डिजीज़ टू द जर्म्स इंटर थ्रू द ओपन वाउंड। कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया जरासीम जो है वो ओपन जख्मों के ज़रिए अंदर जाते हैं, तो ये आप बच्ची बताइए कमेंट में कौन सी है। प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डेफिशेंट इन विच न्यूट्रिएंट, तो उनको ज़्यादातर जो है वो किस चीज़ की कमी होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कैल्शियम और आयरन की, इसलिए आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा फोलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो यूज़ करती हैं बिकॉज अपनी कैल्शियम और आयरन की डेफिशेंसी को कम्प्लीट करने के लिए। यूरिन ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट कंटेन मोर देन एवरेज क्वान्टिटी ऑफ विच थिंग, तो किस चीज़ की ज़्यादा क्वान्टिटी जो है वो शो करता है जिसको डायबिटीज़ हो, तो उसके यूरिन में ज़्यादा क्या आता है, शुगर, ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई हो जाता है उसका। तो बेटा उसके बाद बच्चे ने भी बताया है कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03497470489 के नोट्स से तैयारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट आज इजीली पास हो गया। सर वर्बल टोटल आपके 100 क्वेश्चन वाली फाइल से आया था और एकेडमिक भी सर आपके नोट्स से आया था। आई एम सो हैप्पी एंड सर बिकॉज ऑफ योर नोट्स हेल्प मी अलॉट एंड सो माई एडवाइस टू आज सिस मस्ट परचेज एंड प्रिपेयर सर बिलाल नोट्स एंड प्रिपेयर वेल। देखिए बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम आपको जस्ट 100 क्वेश्चन की फाइल देंगे, अगर आप उसको कर लें तो आपका वर्बल गारंटी से जो है वो पास होगा। उसके साथ अकेडमिक के भी फुली अथेंटिक एंड रिपीटेड नोट्स दिए जाएंगे, इंशाल्लाह आपका अकेडमिक भी हमारे नोट्स से पास होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक कैलोरी जो होती है उसमें कितने जोल होते हैं, 4184 उसमें जो प्रेजेंट होते हैं। विच हैज़ मैक्सिमम एन शेल इलेक्ट्रॉन N16, विच हैज़ इनकम्प्लीट ऑन हाइब्रिडाइजेशन 6C R3S, तो हमारे पास 6C करेक्ट आंसर है।
द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी जो एटम की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आइसोटोप के। तो बेटा ये आज के एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप बच्चियाँ भी अपना टेस्ट पास करना चाहती हैं, अच्छी तैयारी करना चाहती हैं, तो बेटा हमारे नोट्स लाजमी लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होने की गारंटी भी होगी। बेहतरीन टाइप नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।